नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, यानी कि दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करने के बाद फिर आपको अपने जो अकाउंट है उस पर चले जाना है। दोस्तों, अकाउंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने दूसरा अकाउंट होगा तो ऊपर आपका जो यूज़र नेम दिख रहा है उस पर क्लिक करके जो भी अकाउंट यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या कर लेना है, ऊपर आपको जो राइट साइड में जो थ्री लाइन दिख रही है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बहुत ही ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऊपर जो अकाउंट सेंटर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से दोस्तों आपको जो पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों, उसके नीचे ही आपको यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली जो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपका यूज़र नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर से आपको जो यूज़र नेम दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक है डीएक्टिवेट अकाउंट, यानी कि आपको अपना जो अकाउंट है वो सिर्फ डीएक्टिवेट करना है, तो ये नंबर एक वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। और दोस्तों, आपको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों, हम यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको कोई भी एक रीज़न यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लास्ट वाला जो समथिंग गिल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आपको जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो दोस्तों, आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता नहीं है तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे वाला जो फॉरगेटम पासवर्ड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना जो पासवर्ड है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने हमारा जो पासवर्ड है वो डाल लिया है। उसके बाद नीचे आपको जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इंस्टाग्राम का कहना है कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट करने के बाद भी आपको यहाँ पर एक तारीख दी होगी, उस तारीख के बाद भी आप अपना जो अकाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, नीचे आपको जो डिलीट अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हम हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।